अरे दोस्तों, मैं डॉक्टर त्रिपाठी और हम ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आज प्रूव करने वाले हैं। कॉट ऑफ 7.5 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच, इसी को कहते हैं कॉट ऑफ पाई बाय 24। पाई बाय 24 इज सेम है 7.5 डिग्री। अगर आप पाई का वैल्यू रख देंगे 180 डिग्री, तो पाई इज वॉट इन टर्म्स ऑफ डिग्री, 180 डिग्री। और इसको अगर 24 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 24 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 7.5 डिग्री। चाहे तो आप कैंसिल करके देख लें, 6 4 जैसे कैंसिल कर दें, और इसको 6 3 जा 18 और ये 30, फिर 4 से इसको 2 से कैंसिल कर दें 15, और जब 15 को 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7.5 डिग्री। तो ये सेम है, क्वाड 7.5 हो या क्वाड पाई बाय 24 हो, सेम चीज़ है, एक ही बात है। तो आप साथ बने रहें, देखते रहें, बहुत ही उम्दा सवाल है। और 7.5 का अब मल्टीपल करते हैं। 7.5 का मल्टीपल मतलब इसका डबल ट्रिपल, तो 7.5 का डबल कर दें आप। डबल करेंगे तो आप क्या जाएगा आपके पास 15, फिर 15 का भी जब डबल करेंगे आप तो 30 डिग्री होगा। और 30 डिग्री का है यानी कि किसी के 30 डिग्री का वैल्यू आता है आपको, जैसे कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। तो आपको इसमें एंगल को बढ़ाना है। बढ़ाना मतलब अभी आपके पास जो एंगल है वो छोटा है, उसके ऊपर जाना है। तो अभी क्या है, अभी एक काम करते हैं, आप थीटा मान लेते हैं, 7.5 डिग्री को ही थीटा मान लिया हमने। तो अब हमारे पास जो लिखी वो प्रॉब्लम हो जाएगी वो कॉट थीटा, क्योंकि कॉट 7.5 क्या हो जाएगा, कॉट 7.5 डिग्री विल बी कॉट कॉट थीटा। अब कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो आप, कॉट थीटा को लिख सकते हो आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अगर आप थीटा की जगह यहाँ पर वैल्यू डालोगे 7.5 डिग्री, तो कॉस 7.5 डिग्री की वैल्यू नहीं आती आपको, पर इसके डबल और उसके भी डबल की आती है। तब उसके डबल के लिए ऐसा करते हैं, एक तरकीब इस्तेमाल करते हैं, ऊपर नीचे 2 cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि एक इंटरेस्ट है। अगर ऊपर नीचे मैंने 2 cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये देखिए आपको फ़ायदा क्या मिलने वाला है। तो आपको एक फॉर्मूले का वीडियो बनाया है जिसमें सारे फॉर्मूले बताए हैं। तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा आपका बन जाएगा sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा से क्या बन जाएगा आपका 7.5 डिग्री का डबल, 15 डिग्री तक पहुंचा दिया आपको मैंने। और ऊपर कितना हो जाएगा आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा। अब 2 cos स्क्वायर थीटा तो लास्ट उसमें फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा का, क्या फॉर्मूला है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 plus cos 2 थीटा। और 2 sin थीटा cos थीटा क्या है आपका वो भी मालूम है आपको, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। तो ये आ गया आपके पास। अब आपको 2 cos स्क्वायर थीटा को ऐसा करते हैं, लिख देते हैं वो 1 plus cos 2 थीटा, 1 plus cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। अब आप देखो दोस्तों कि आपको थीटा अगर 7.5 डिग्री है तो ट्वाइस हो जाएगा, तो 15 डिग्री हो जाएगा। तो 15 डिग्री का भी आपको डबल करना है, तो इसका भी डबल करना है। तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 cos 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो क्या फ़ायदा मिलेगा आपको। ये हो जाएगा आपका 1 plus cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। अब ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दें आप, 2 cos 2 थीटा से फिर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा 2 cos 2 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। अब 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा इससे देखो आप, जब 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा है तो 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा बन जाएगा आपका sin 4 थीटा। तो ये आपका हो गया sin 4 थीटा। यही फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं, तो बार बार वही वही फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं है। और वो इस वाले केस में देखो, 2 cos स्क्वायर थीटा है
तो वन प्लस कॉस टू थीटा है, तो टू कॉस स्क्वायर टू थीटा बन जाएगा आपका वन प्लस, आपने सही सोचा, कॉस फोर थीटा, बिकॉज वी हैव दिस दीज टू रिजल्ट्स, इन दो रिजल्ट्स के वजह से ऐसा होगा कि आपका रिजल्ट ऐसा हो जाएगा। अब जगह की कमी है, आपको समझता है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब ध्यान से सुनिए, अब मैं थीटा की जगह 7.5 डिग्री डाल रहा हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू 7.5 डिग्री डालने पे क्या बन जाएगा आपके पास, आपके पास हो जाएगा 2 कॉस 2 इंटू 7.5 डिग्री 15 डिग्री प्लस 1 प्लस कॉस 4 टाइम्स 7.5 डिग्री यानी कॉस 30 डिग्री, अपॉन में कितना आएगा आपके पास, तो अपॉन में आ जाएगा आपके पास साइन, आपके पास अपॉन में आ जाएगा साइन 4 इंटू 7.5 डिग्री, तो 4 इंटू 7.5 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री, ये आ गया आपके पास अपॉन में। तो अब आगे बढ़ें कि अब जिन जिन की वैल्यूज़ पता है उनको वैल्यूज़ रखने की कोशिश कर देते हैं, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पता है और साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है, और इसका 2 कॉस 15 डिग्री का नहीं पता, तो ऐसा करो कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख दो उसको, ये 15 डिग्री को प्लस 1 में कोई चेंज कर नहीं सकते आप, और अब बची आपकी बारी कॉस 30 डिग्री की, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है रूट 3/2, तो ये कॉस 30 डिग्री वैल्यू रूट 3/2 होल अपॉन, ये इक्वल टू इसकी सीध में लिखें हमेशा आदत डाल लें, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो ये जो 1/2 है ये अपॉन में है, अपॉन के अपॉन में, तो ये ऊपर चली जाएगी, तो ये ऐसा बन जाएगा 2 ब्रैकेट ये 2 ब्रैकेट कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री का एक्सपांशन, कॉस 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी प्लस आता है, साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री फिर ब्रैकेट क्लोज फिर 1 प्लस रूट 3/2 1 प्लस रूट 3/2। अब देखिए ये जो बाहर का 2 है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, ब्रैकेट खोल दिया, ये जो बिगर ब्रैकेट बिगेस्ट ब्रैकेट है जो सबसे बड़ा ब्रैकेट है इसको खोल दिया, 2 इंटू 2 4 ब्रैकेट, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू है 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू है √3/2 माइनस सॉरी प्लस है प्लस साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2 इंटू 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस ये जो बाहर का 2 है ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 से भी होगा, तो जब ये 1 से होगा तो ये हो जाएगा 2, और जब ये √3/2 से होगा तो ये √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये √3। अब देखिए ये जो 4 है ये अंदर फिर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये जाएगा 4 इंटू √3 अपॉन 2√2 प्लस 4 अपॉन 2√2 प्लस 2 प्लस √3। अब 2 से कैंसिल कर दें इसको, देखिए 2 से कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4, फिर ये √2 से इसको कैंसिल कर दिया तो ये √2 आ गया, 2 से कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 2, और ये √2 से कैंसिल कर दिया तो ये हो जाएगा √2। अब देखिए √2 इंटू √3 क्या बना आपका, √6 प्लस √2 प्लस इस 2 को लिख दीजिए आप √4 क्योंकि स्क्वायर रूट 4 का 2 ही होगा ना, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसको सही ऑर्डर में अरेंज कर दें, जब आप इसको सही ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लिख दें, सबसे पहले लिख दीजिए आप √2 √3
फिर बाद में आ जाएगा रूट फोर प्लस रूट सिक्स। तो दोस्तों ये था इसका प्रूफ, बड़े आसानी से किया। चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो मत भूलिए, करना है। आपका अपना चैनल है, आपके अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने देश के लिए बनाए। विश यू ऑल द बेस्ट।